Hello children, how are you today? I hope you are absolutely fine at home. Dear student, I ask one question. Where do we live? Very good. We live in house. हम कहाँ रहते हैं? हमारे घर में रहते हैं. Dear student, do you know? There are three important need in your life. First is a food, second is a clothes and third is a house. तो हमारी थ्री इम्पॉर्टेंट्स नीड है, यानी थ्री हमारी ज़रूरतें हैं. पहला है फूड, फूड यानी खाना. दूसरा है क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़े. और तीसरा है हाउस. तो व्हाट इज हाउस? टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इज अ हाउसेस. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द हाउस. A house is a place where we feel safe. It protects us from sun, rain, wind, wild animals and thieves. तो house एक ऐसी जगह है जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं. और जो house है वो हमें बारिश से, हीट से यानी गर्मी से, बिन यानी तूफान से, उसके बाद में जो वाइल्ड एनिमल है यानी जंगली जानवर है उनसे, और जो थीव्स है, चोर है, उनसे हमें बचाते हैं. तो देयर आर टू मेनली टाइप्स ऑफ हाउसेस. फर्स्ट इज अ कच्चा हाउस एंड सेकंड इज अ पक्का हाउस. तो व्हाट इज कच्चा हाउस एंड व्हाट इज पक्का हाउस? ठीक है, वही The house keeps us safe from heat, rain, cold and thieves. The houses are made up of different material like mud and straw, cement, bricks and irons. Let's study about the different types of houses and the material used in making them. So, types of houses. Are you ready for reading, beta? Very good. We need a house to live in. Some houses are made of mud and straw. They are called a kacha house. Some houses are made of mud and straw. They are called a kacha house. Some houses are made of cement, bricks and iron rods. They are called a pakka houses. Underline this sentence. Cement, bricks, iron rods. They are called the pakka houses. Some people live at one place. They live in a permanent house. Underline this sentence. Some people keep on moving. They live in a temporary house. We need a house to live. Some houses are made of mud and straw. They are called a kacha house. तो कुछ houses जो होते हैं वह mud से बने हुए होते हैं, straw से बने हुए होते हैं. mud means मिट्टी और straw यानी जो घुसा, जो सूखा घास होता है, लकड़ियाँ होती है उनसे बनते हैं. और उसके बाद में जो dry leaves होते हैं और wood होते हैं उनसे भी कच्चा house बनाया जाता है. ठीक है, some houses are made of cement, bricks एंड आयरन रॉड्स एंड स्टील. तो कुछ हाउसेज जो होते हैं वह सीमेंट से बने हुए होते हैं, ब्रिक से बने हुए होते हैं मीन्स ईटे से बने हुए होते हैं, उसके बाद में आयरन रॉड से बने हुए होते हैं, स्टील से बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पक्का हाउसेस कहा जाता है. सम पीपल लिव एट वन प्लेस, दे लिव इन अ परमानेंट हाउस. तो कुछ लोग जो होते हैं कि बहुत सालों तक एक ही जगह पे रहते हैं, तो वो जो हाउस बनाते हैं उस हाउस को क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस कहा जाता है, यानी उसे स्थायी मकान कहा जाता है. और सम पीपल कीप ऑन मूविंग, दे लिव इन अ टेम्पररी हाउस. लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, सम पीपल कीप मूविंग ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्चिंग ऑफ फूड एंड वर्क. तो कुछ लोग जो होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड के लिए या अपने वर्क के लिए जाते हैं. तो वह जो जिस हाउस में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? टेम्पररी हाउस कहा जाता है, यानी अस्थाई मकान या अस्थाई घर कहा जाता है.
तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ टेम्पररी हाउस, तो टेम्पररी हाउस के एग्जांपल क्या है, तो फर्स्ट इज अ हट, अ हाउस ऑफ मड, अ मड हाउस इज अ स्मॉल एंड कच्चा हाउस, अ मड हाउस इज कॉल्ड अ हट, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, अ मड हाउस इज कॉल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ हट, इट्स रूफ इज टेस्ट, अ हाउस ऑफ मड, अ मड हाउस इज अ स्मॉल एंड अ कच्चा हाउस, वॉट इज दिस, दिस इज अ हट, जो मिट्टी से बना हुआ होता है, छोटा होता है और कच्चा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मड हाउस कहा जाता है. कच्चा हाउस इज अ टेम्पररी हाउस, जो कच्चा हाउस होता है वह कैसा होता है, टेम्पररी हाउस होता है. अ मड हाउस इज आल्सो कॉल्ड अ हट, जो मड हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है, हट कहा जाता है, यानी कुटिया कहा जाती है. इट्स रूफ इज टेस्ट, और उसका जो रूफ होता है, उसका जो छत होता है वह कैसे होता है, छप्परदार होता है. द मटेरियल यूज इन मेकिंग कच्चा हाउस आर मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड वुड, तो ये जो कच्चा हाउस होता है वो बनाने के लिए हमें मड की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है, ड्राई लीव्स की ज़रूरत होती है और वुड की ज़रूरत होती है. कच्चा हाउस आर फाउंड इन विलेजेस, जो कच्चा हाउस होते हैं ज़्यादातर हमें विलेज में दिखाई देते हैं, गाँव में हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस, अ हाउस ऑफ बम्बू, अ बम्बू हाउस इज अ स्मॉल हाउस, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, अ बम्बू हाउस इज अ स्मॉल हाउस, इट्स रूफ इज टेस्ट, इट इज अ टेम्पररी हाउस, जो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बम्बू हाउस, अ बम्बू हाउस इज अ स्मॉल हाउस, ये जो बाम्बू हाउस होता है वो बाम्बू से बनाया जाता है और वह कैसे होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है. इट्स रूफ इज टेस्ट, और उसका जो रूफ होता है, उसका जो छत होता है वो कैसे होता है, छप्परदार होता है. इट इज़ अ टेम्पररी हाउस एंड दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस. नेक्स्ट इज अ टेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस इज अ टेंट, अ टेंट इज अ टेम्पररी हाउस, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, इट इज मेड ऑफ कैनवास, इट इज मेड ऑफ कैनवास, अ टेंट कैन इजीली बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो टेंट होता है यह भी जो टेम्पररी हाउस है उसका एग्जाम्पल है. इट इज मेड ऑफ कैनवास, एक जो कपड़ा होता है, कपड़े का यूज करके यह टेंट बनाया जाता है. अ टेंट कैन ईजीली बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये जो टेंट होता है हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो यह ईजीली हम ले जा सकते हैं, एंड दिस इज अ मूवेबल हाउस. ठीक है, टेंट इज मेनली यूज इन फॉरेस्ट, सोल्जर एंड माउंटेनियर्स लिव इन अ मेकशिफ्ट हाउस नोन एज टेंट, जो सोल्जर्स होते हैं, हमारे सिपाही होते हैं, उसके बाद में जो माउंटेनियर्स होते हैं यानी जो पर्वतारोहक होते हैं, वह भी अपने साथ यहाँ लेके जाते हैं और जिस जगह पे जाते हैं वहाँ वह रहने के लिए यह टेंट का यूज़ करते हैं. उसके बाद में जो फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग होते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, वो भी यह टेंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, दे आर आल्सो यूज वाइल्ड कंपेनिंग, और जो कैंप के लिए भी जाते हैं वह भी ये टेंट का यूज करते हैं. आर यू अंडरस्टूड बेटा, रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन एट होम. वॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी हाउस, वेरी गुड, हट, बाम्बू हाउस एंड टेंट. विच मटेरियल यूज टू मेक अ कच्चा हाउस, वेरी गुड, मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड wood. And which material used to make a pakka house, cement, brick, iron rods and steel. Thank you, have a nice day.